नमिता विश्वास आज तृतीय कक्षा का सात पाठ का कहानी का शीर्षक टिप टिपवा जो उत्तर प्रदेश की लोक कथा है ये कहानी में। तो बच्चों अभी मैं ये टिप टिपवा का कहानी पाठन कर रही हूँ, पहले आप लोग अभी सुनिए। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। एक बुढ़िया थी, उसका कोई पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी के साथ कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलधार बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी जगह जगह टपक रहा था। टिप टिप इस बात से दे कर पीता पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा क्या कहानी सुनाए, ये टिपटिपा से जान बचे तब तक। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपा कौन है? टिपटिपा क्या है? शोर वाक से भी बड़ा होता है। दादी उससे टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ ये बचवा ना शेरवा के डर, ना बचवा के डर, डर तो डर टिप 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 टिपवा के डर। क्या संजोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबरा हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब यहाँ टिप टिपवा कौन सी है वाला है, जरूर यहाँ कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसे ही सोच और झटपट कहाँ से तुम दबा कर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भागता रहा और जगह जगह गधे के ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वो बड़े ज्ञानी है, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। तेज में पत्नी की बात धोबी को जब गई, अपना मोटा लट उठा कर वो पंडित के जो घर जरब चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीचर फेंक रहे थे। धोबी ने वैसे से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी वाज का सब बताइए तो वो कहाँ है। सुबह के पानी उछलती है उली चलते पंडित भी थक गए थे। धोबी के बात सुनते ही झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊँची ऊँची पर घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किससे मारा बेचारा बाघ टिपटिपिया के डर से वही घास पे छिपा बैठा था। धोबी की लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने अब देखा ना तब और लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमारे से एकदम घबरा गया। मन ही मन सोचा, लगता है ये टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचाती है तो जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज उन्हें बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा चूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ चूँ चप्पड़ किए भोगी बिल्ली की बने धोबी के पीछे चल दल दिया। घर पहुँच कर धोबी के बाघ को कूटे से बांध दिया और उसे गया। सुबह जब गांव वाले धोबी के घर से बाहर छूटे, कूटे में से एक बाघ को बंधे देखा तो उन्होंने आंखें खुली की खुली रह गई। तृतीय कक्षा का सात पाठ कहानी का शीर्षक टिपटिपवा। तो इस कहानी का लेखक गिरजा रानी अस्ताना ने इस एक पोता एक बूढ़ी अम्मा को डेली कहानी सुनता था। तो उस दिन बारिश हुआ, वही बारिश का नाम टिप टिपवा का वही
दादी उसको समझा रहे थे टिप टिप हवा क्या है। तो गिजा रानी तमाम ने ये कहानी को मज़ेदार जैसे लिखे हैं बच्चों। तो कहानी में पाठन कर लो, अभी आपको संरक्षण समझ देती हूँ। थोड़ा उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता, ये उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता भाषा से थोड़ी लिखी है। एक बुढ़िया थी, उसका पोता था। एक बुढ़िया है, छवि में देखिए, बुढ़िया थी उसका पोता था। डेली उसके दादी से वो कथा सुनते थे। एक दिन ज़्यादा ज़ोर से बारिश हुई, पानी टप टप टिप टिप पड़ता था। तो इस बात से बेखबर पोता बोला, दादी मेरे कान सुना हो। तो दादी परेशान थी, बारिश हो रहा था, गोद में आकर लेट गया, कान सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया जिक्र बोली, बच्चवा जो बच्चवा बोले पोता को बोलता है, बच्चा कहानी सुना है क्या? टिप टिप हुआ का से जान तो बच्चे टिप टिप हुआ जो मैंने बारिश ही था, इतना टिप टिप हो रहा, इतना जोर हो रहा है टिप टिप, मतलब तो इसलिए इससे तो जान बच्चे। उसके बाद में कान सुना हो, पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिप हुआ था? वो टिप टिप हुआ भाषा सुनकर बोला, दादी सोया था, लेटा था, गोदी में उठकर बैठ गया। टिप टिप हुआ क्या है? शोर शेर बाघ भी बड़ा होता है, क्या है टिप टिप हुआ वो समझे? दादी छत पर टपत हुए पानी को दिखाया, बोला इसी को बचवा, शेर और डर नहीं ना किसी बाघ का डर नहीं, वो टिप टिप हुआ इसी को। हमारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए उनके दादी के घर के पीछे छुपा था। वो टिप टिप का बात सुनकर वो डर गई, बोला ये बोधे मेरे से ज़्यादा ताकतवर है वो, बोधे इसीलिए बुढ़िया से बोलता है टिप टिप को डर मत, इसलिए ज़्यादा टिप टिप डरती है, इससे पहले बाहर आकर वो मेरे ऊपर आक्रमण करे मैं इधर से भाग जाऊँ। तो क्या क्या शेर उधर से झटपट से बाहर निकला, जाकर उसे गांव के एक धोबी के रहता है। उसके बारिश परेशान होकर सुबह वो भी गधा गायब था, बेली वो ढूंढ रहा था। उसका बीबी बोला, जाओ पंडित को पूछो हमारा गधा किधर मिलेगा। तो वो ढूंढता पूछता रहा था, तो पूछते पूछते बड़े ज्ञानी आगे पीछे तो बगीच, लेकिन सब कहीं मिला आगे पीछे। सही के बाद धोबी जज गई, अपना मोटा लाठी लेकर वो जाकर पंडित के घर पहुँच गया। जाकर बारिश के पानी में देखा, पंडित भी पानी उसका घर में पहुँचता है, वो पानी भी निकल रहा था। तो मैं जाकर पंडित को बोल, सुबह से वो निकल रहा है। तो पंडित बोलते हैं, मेरा गधा सुबह से नहीं है, वो पोथी को आप जरा पोथी देखकर बताओ कहाँ है। सुबह से पानी उलझते उलझते पंडित तो पानी निकालते निकालते इधर देखिए वो थक गया। वो बोला, तेरा क्या मेरा पोथी में क्या, तू गधा किधर है, तू जा किधर गुस्सा होगा जाकर ढूँढ उसे। तो और पंडित लगे फिर उसके यही पानी उछलने के लिए, देखो उलीचन के लिए पानी। धोबी वहाँ से निकल रहा है, एक तालाब के पहुँच चलते चलते पहुँचा। तालाब के किनारे ऊँची ऊँची घास थे, उसी के अंदर बाघ छिपा था। तब ये बाघ छिपा था तो वो टिप टिप दो कोने धोबी जाकर पहुँचते, ढूंढने लगे। किस्मत से मारा बेचारा बाघ टिप टिप आकर वो बदल डरा बोधे, इसीलिए घास में छिपा था बाघ, वो समझा उसका गधा है, इसीलिए उसको दो तीन पहार दिया। और बाघ समझने वाला शेर जे बोधे टिप टिप आया जो बोल रहा था, वो बोधे बड़ा जानवर है, इसलिए जो मारता है मारने दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, चुप से सह जाती हूँ। मन ही मन मचा लगता है टिप टिप है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। बोधे वो टिप टिप बोधे मुझे ढूंढ लिया, चुप रहा इसलिए मारना था, जो चुपचाप में शेर परेशान कर दिया। वो बोल रहा है धोबी जे, तू मुझे सुबह से परेशान कर दिया, मार मार कर तेरा कस्टमर बना दे, बोलकर उसको घिसर घिसर कर ले रहा है। सभी में देखिए ऐसे घिसर कर लेकर वो जीवित होकर तरफ चल दिया, अपने घर के पास सामने एक बूटी में उसको बांध दिया था। तो जाकर वो घर में अंदर सो गया। तभी बाघ को भी वो भी देखा नहीं, वो सोचा बोधे टिप टिप और क्या। सुबह जब हुआ गांव वाला उठकर धोबी के घर के आगे कुंटे में देखे एक बाघ बंधे हुए। वो सभी देखकर आंखें के आंखें खुल रही, मैं सभी लोग देखकर अचंभित हो गए, माने घबरा थोड़ा देखकर चौंक जाते हैं ना, अचंभित होता है। तो वो खुले आंखें खुली की खुली रह गई। तो बच्चों लेखक गिरजा रानी आस्थान लेखिका ने ये ते पाठ का सात पाठ का टिप टिप या कहानी का उत्तर प्रदेश लोकप्रियता से है। तो मैं पढ़ दिया सारा से समझा दूँ। तो बच्चों अभी इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तर क्या है, कौन किसके परेशान थे? इस कहानी में लगता है कि सभी परेशान थे, बताओ कौन कौन सबसे परेशान थे, कौन सबसे परेशान था? परेशान था कौन? बुढ़िया और इधर बाघ और धोबी और कौन? पंडित जी। तो बुढ़िया क्या परेशान थी? झोपड़ी से जगह
जगह पर पानी बरसता था। और बा क्या मुसलधार बार टिप टिप ऐसे टिप टिपवा से धोबी गधा क्या किससे झोपड़ी में जगह जगह पानी पड़ता था। बा किसे टिपटी बारिश से को धोबी गधा किधर गायब हो गया था। पंडित घर में जो पानी उसका बारिश का पड़ता था। तो मतलब बताओ नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए इन्हें अपनी शब्द में लिखो। टिपटिपिया कौन सी बला है, टिपटिपिया कौन सी बला है, टिपटिपिया कौन सी बला है, टिपटिपिया किसी चीज का नाम है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, पत्नी की बात धोबी को सहमत हो गया। बाघ बिना तो चपड़ किंतु धोबी मिलने धोबी को पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना तो क्या बाघ चुपचाप, बाघ चुपचाप उसके पीछे आया था। बाघ चुपचाप धोबी के पीछे चल दिया। जरा पोथी बांध कर बताइए वहाँ कहाँ से आई है, पोथी मतलब जरा पत्र देखकर बताइए। अब तो पोता दादी की गेंद से कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचल रहे हो। मैं जल्दी बाजार जाने के लिए खेलने के लिए और क्या खिलौने खरीद लेने के लिए। कौन सी टिपटिपिया, हाँ अथवा शेरवा के डर या अथवा डर 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 तो डर टिपटिपिया का डर। तुम्हारे घर की बोली इस बात को कैसे कहेंगे, बोलिए। हाँ बेटा ना शेर का डर है ना बाघ का। तो दूसरी प्रश्न, कहानी में टिपटिपिया कौन था, तुम किस किस को टिपटिपिया कहोगी, बोलो। कोई आदमी या जानवर थी, बल्कि गुड़िया की झोपड़ी में से जगह से पानी बरसता था।
अभी दूसरे प्रश्न हम देखेंगे। कहानी में ऐसे दिन है मूसलधार बारिश रहती है, अगर मूसलधार बारिश होती है तो दादी होती है तो क्या होती है, यदि रात भर बूंद पड़ती है तो क्या है, पोता आराम से। तो इधर हम लोग लिखेंगे क्या, तो पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर कहानी सुनता था। पोता आराम से दादी गोद में कहानी सुनता था। उसके अंदर टिप टिपुआ बारिश झोपड़ी के ऊपर से पानी झोपड़ी के ऊपर से पानी बरसता था। टिप टिपुआ डर से बाग डर कर धोबी हाथों से दुर्दशा होती है। तरह तरह की आवाज़ें, पानी का टपक टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो लिखो आवाज़ में कब सुनाई दी। खरे 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 कैसे सोए में जब तेज सांस ली जाती है। तब रे भिन भिन मक्खी जब कान के पास मंडराती है। ठक ठक जब कोई दरवाजा खट खट खटखट आता है। घर 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 क्या है, दरवाजा खुलने पर भक भक आकी लपटे तेज वो जाती है। तड़ तड़ किसी गाल पर थप्पड़ थप्पड़ लगाने पर। धोबी ने बाघ से खूंटे से बांधा था। सोचो खूंटे में क्या क्या बांधा जाता है, क्या भैंस गाय बकरी घोड़ा गधा। तो भैंस घोड़ा गाय बकरी गधा और क्या बछड़ा और क्या, एक से ज़्यादा, एक कहानी सभी कहानी। एक तितली के उत्तर में क्या है लिखना है, एक कहानी सभी कहानी। तो एक तितली कई तितलियाँ तितलियाँ। तबरे एक नदी दस नदियाँ। एक बूढ़ी ढेरों
ढेरों बुढ़ी यहाँ एक खिड़की चार यहाँ। तो बच्चों तृतीय कक्षा का सात पाठ कहानी का शीर्षक टिप टिप या एक उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता कहानी का पाठन भी कर ली हूँ, अभी उसका सारा समझा दी हूँ, प्रश्न उत्तर अभ्यास करके मैं लिख भी दी हूँ। तो बच्चों कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिख कर देखिए, मेरे को पास भेजिए और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों दोस्तों में शेयर कीजिए, मैं दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। आज के लिए बस सात पाठ का टिप टिपिया हो गई है मेरी संपूर्ण। तो बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।